बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो अल्लाह पाक के फजल और करम से आज का ब्लॉग करते हैं जी स्टार्ट, वो भी 6:09 पर। तो ना अभी ना मैंने सिर्फ ट्राउज़र शर्ट पहन ली और ना कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, कल जिम भी नहीं जाना था और मैंने कल अपनी सुकून से नींद करी थी। तो ऐसे उठा था 11:45 पर उठा था, जुम्मा पढ़ के आया, खाना खाया, लेटा, 5:30 उठा, नींद पूरी करी मंड के, फिर जैसे बाहर इधर उधर। तब मैंने इतना कोई खास नहीं था ना, काम मेरे इतने नहीं थे कि व्लॉग बना सकता, तो ना आज फिर मैंने कहा कि बनाते हैं। वही अभी बासित को भी कॉल करके पता करूँगा, सो रहा है उठा हुआ, उसके अंदर से तो नहीं करूँगा, उसके अंदर से करना है। मैंने एक वीडियो कही थी आप लोगों को, वो दिखाता हूँ 2 मिनट, वो कौन सी वीडियो, कैसे उठा, कैसे किया, कैसे होया, यानी कि ना एक वीडियो थी कि सुबह आप अपनी रूटीन बताएं सुबह की। सुबह उठा, टीट ब्रश किया, ब्रेकफास्ट किया और क्या था, 2 मिनट रुको मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको। सुबह उठकर क्या क्या किया? उठकर ब्रश किया, नहाया, ब्रेकफास्ट किया, बाद में तैयार हुआ और फिर सो गया। सेम टू सेम यही रूटीन चल रही है। उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, मुंह धोता हूँ, उधर से नाश्ता करता हूँ, कपड़े शपड़े पहनता हूँ जिम के लिए, जिम से आता हूँ, सो जाता हूँ, यही रूटीन चल रही है मदद से। अच्छा ना अभी 10 मिनट है, 6:30 बासित को फ़ोन करूँगा कि हाँ उठा हुआ है या सो रहा है। चलो अभी यार, मेरी ना वो कमर में पेन हो रहा है जो उस दिन होया था, उसी जगह हो रहा है। उसे ना शरजील को भी मैसेज कर देता हूँ, काका पेन किलर देती वा ना, या टीका ला, हमारा टीका आज कम है, वही पेन किलर कहता हूँ, पेन किलर देती वा ना, या पैनाडोल खा लेता हूँ, पैनाडोल थी ना, पैनाडोल पूछता हूँ मम्मी से, अगर घर है तो सही है, नहीं तो फिर उससे किसे कहता हूँ, पेन किलर भी देता जा और वो पैनाडोल भी देता जा। कोई और तरह की पेन किलर थी, पता नहीं कैसी थी। अच्छा ना वो क्या कहते हैं यार, वो भी था एक बात करनी थी, भूल गया हूँ, फिर बाद में याद आएगी कर दूँगा। हाँ चलो अभी तो सीन कट करो यार। अभी ना मैंने ये वाली शर्ट पहनी है, वो वाली ना अजीब लग रही थी इस पर, यानी कि मैच नहीं हो रही थी, अजीब लग रही थी, इस वजह से मैंने ये पहनी। अब भाई बस्ती चलता हूँ, ये पेट्रोल देख लूँ, शहर से हो भी आएगा हो आएगा, अभी चलते हैं उधर, थोड़ी सी हीट अप कर लूँ। और तेरी ऐसी तैसी रुक ना, ये मैंने धुलवाया था और ना अभी से जब डालते हैं शापर में और स्प्रे डालते हैं और पानी पीते हैं, चलते हैं, टाइम हो गया। काफ़ी सारे सेट लगा लिए और कुछ रहते भी हैं, काफ़ी से 4-5 रहते हैं, छठा से यानी कि इसके रहते हैं और ऊपर के रहते हैं, यूनू वाले रहते हैं, और ना थोड़ी तबीयत टाइट है आज, क्योंकि कल छुट्टी थी, कल मजे मारे हैं और आज तबीयत का टाइट है, नहीं तो उसने बस तो कुछ था कि उसने देने थे और सेट, जिसमें उसने कल परसों ही दिलवा दे दे, हमें और दे दे। अभी टाइम हो रहा है 8:47 और ना हमने काफ़ी टाइम आधा काम कर भी लिया है और थोड़ा बहुत रहता है, ऐसे समझो 60% हमने काम कर लिया, देखते हैं कि हमारा 40% कितने टाइम में होता है। हो गए हैं अब, हमें खुद को पूछे हैं कि और करते हैं इसको है कि ये वाला लगाते हैं, वो वाला लगाते हैं, फ्री हो गए हैं, पूरा काम कर लिया है। चल कौन सा लगाता है इसका, मैंने वो वाला लगाया है, यह सामने वाला पूरी जिम खाली हो गई है, बस चिंती के 4-5 बंदे हैं, जिस टाइम आए थे तब रश था, ये कैसे लगाते हैं और इसका मुझे नहीं आता, निप्पल देखियो, सारा कुछ हो गया, बस अब जा रहे हैं, सामान भी उठा लिया, टावल और वो बॉडी स्प्रे, बस उबासी था, बस चलते हैं, चल के छोले चावल शायद खाऊं।
मैंने कहा छोला चावल, कहते हैं कि छोला चावल ना था, वैसे उसने मना करा, मैंने कहा कि चलिए ये पता चल रहा है पता, तो पसीना देखो इसके जिस्म पे, मेरे ये शर्ट पानी से ऐसे लग रहा है जैसे पानी है, डेढ़ घंटा हमारा लगा, एक घंटे दस पंद्रह बीस मिनट या डेढ़ घंटा ऐसे लगा हमारा, लगे वैसे सारे जा रहे थे हम जानबूझ करते रहते भाई, बोतल पीने आके हमारा उस्मान लटका हुआ है देखना, हमारा ना नाश्ते का 300 ठुक जाता है सीधा, नाश्ते का ही हमारा 300 ठुक जाता है, मेरी ड्यू था हैं परफ्यूम तो तौलिया ड्यू देख, ड्यू बढ़िया तो मेरा ड्यू गरम, बाकी सारी खराब, ड्यू गरम है चलियो, हमें जिम की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो हम शो किया जाते हैं और टाइम पास के लिए जाते हैं, अगर जिम की ज़रूरत होती उधर बैठ के ठूसते ठूसते चार पांच नान पीते ही आके बोतल। हाँ जी गाइस, अभी ना 12 बज रही है, अगला दिन लग गया हुआ है, अगला दिन है, अभी टाइम दिखाऊं ट्वेल्व फोर्टी सेवन हो रहे हैं अभी, और ना मैं ना कोई कल रात को 12:30 पंप से आया था वापसी, रात को 12:30 आया था, 1 बजे के करीब गया तो सोना डेढ़ घंटा उधर, घंटा आधा घंटा उधर पड़ा रह गया, 2 बज गए मुझे सोते सोते, फिर भी मैं 5 बजे उठ गया, 5 बजे उठा, जिम जाना था मैंने, 5 बजे उठा और ना 5 बजे उधर जाके मस्जिद में बैठा, मस्जिद में लेटा, मुझे वहाँ पे नींद आ गई, आधा घंटा 45 मिनट वहाँ पर रह गया, वहाँ से उठ के आया मैंने बासित को, मैं फिर बासित का मैसेज आया पर तो यार वो आज मेरी तबीयत ख़राब है, आज मैं नहीं जाता, तू जाता तो हो, मैंने कहा कि चलो फिर कल चलेंगे, मेरी भी तबीयत ख़राब थी, मुझे भी फुल ठोक के नींद आई हुई थी, फिर मैं 6 बजे लेटा, 12 बजे उठाऊँ, 12 से भी ज़्यादा 12:30 बजे उठाऊँ, 12:30 बजे उठा, अब आया हूँ इधर इस कमरे में, फिर पानी उठाया, पानी पिया है, मैंने ना जाके ना अम्मी को ऐसे कहा है, आंखें भी ऐसे थी, हादी जो 3-4-5-6 घंटे के लिए सो गया, क्या समझे कि वो खाना नहीं खाएगा, खाना दो उसे, ऐसे आंखें भी ऐसे, रिएक्शन ऐसे, अम्मी हादी एक ही तरीका है, चलो मैं आके मैं रोटी दो, मुझे भूख लगी है, मेरे पेट की हालत समझो, अच्छा अभी जिम की छुट्टी करी है, और ना और ना और ना और ना और को बताता हूँ यार, वो बताना था कि ना वो करना था कि अब ना अपनी रूटीन सेट करनी पड़ेगी, वापस लेके आनी पड़ेगी, जैसे फजर टाइम उठता हूँ बस उसी टाइम ही उठूँ, सोऊँ ना, या सोऊं भी तो 3-4 घंटे सोऊं, जैसे जिम से आने के बाद ना 10-12 बजे तक उसके बाद जाऊं, फनी वीडियो बनानी है, अब इंशाल्लाह काम दोबारा खींचता हूं, अब नहीं सोना, अब बस रात को 11 बजे तक सो जाऊंगा, फिर उठ के पड़ा रहूंगा, और मैंने यार जुगाड़ लगाना था, देख परसों रात भी मैं आया था घर 12 बजे, कल आया हूँ 12:30 बजे, उधर बैठे रहते हैं ना चाचा असलम होता है ड्यूटी, यानी कि ना जिस दिन आरिफ वगैरह की ड्यूटी होती है ना उस दिन हम ठोक के बातें करते हैं, पड़े रहते हैं, फुल मज़ा आता है हमें, और ना फिर इस वजह से देर हो जाती है, जुगाड़ लगाना है कि यार किसी तरीके से ना इस हाल के दरवाजे से जाऊँ, हाल के दरवाजे को तो लाख मार दूँ, फिर अम्मी और भैया को बता के जाना पड़ेगा कि इस दरवाजे को बंद ना करो, इसको मैं लाख मार के जा रहा हूँ, इसकी चाबी मेरे पास है, पंप पे आऊँगा हम, बस भैया को फिर यही मैं कहूँगा कि ना इसको बंद नहीं करना, अंदर से कुंडी नहीं मारनी, इसकी चाबी मेरे पास होगी और वहाँ से मैं जाऊँगा, हाँ चाबी भी बस ये ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि ना एक दिन दूसरे लड़के की ड्यूटी होती है, एक दिन दूसरे, तो ना आज जिसके है ना उसके साथ यानी कि मज़ा नहीं आता, वो अपने काम से काम रखता, आरिफ जो है उसके साथ फुल ठोक के यानी कि दोस्ताना ऐसे समझो, तारिक है ताल्लुक है दोस्ताना, फुल मज़ा आ जाता है, अभी नाश्ता आ रहा है मेरा 1 बजे नाश्ता, यार मेरी रूटीन खतरा ख़राब ना हो जाए, ख़राब हो गई है वो जहन ना मेरा ख़राब हो जाए, कज़न है एक उसकी तरह, खैर कुछ नहीं होता,
कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। अच्छा चलो ना यार, अपना ना यहीं पे छोटा मोटा व्लॉग करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।